हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मोटोरोला के डिवाइस में आप किस तरीके से पैटर्न लॉक को रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पास जो फ़ोन है मोटो E7 पावर, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा पैटर्न लॉक है ये हम भूल चुके हैं। अगर आपका भी मोटोरोला का डिवाइस है इस कंपनी का तो आप उसका पैटर्न लॉक रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपका ये जो पैटर्न लॉक लगा हुआ है तो आपको क्या करेंगे, इसको स्विच ऑफ करेंगे। तो ये पावर बटन को दबा करके रखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, तो इसको ऑफ़ कर दीजिएगा। ऑफ़ करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो थोड़ा लाइटिंग का इशू है तो इस वजह से आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये स्विच ऑफ हो चुका है फुल्ली, आप देख सकते हैं न्यू फ़ोन है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पावर बटन और ये वॉल्यूम डाउन बटन आपको प्रेस करना है एक साथ में। उसके बाद पावर बटन को छोड़ देना है जैसे ही वाइब्रेट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का आ रहा है, अभी रीसेट का ऑप्शंस नहीं आया। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने बटन जो मैंने बटन है वो मैंने गलत प्रेस किया था, तो ये स्विच ऑफ होकर के ऑन हो गया। एक्चुअल में आपको करना क्या होता है, ये पावर बटन होता है, वॉल्यूम अप बटन होता है, तो ये अप वाला बटन दबाना था जो कि मेरे को पहले से ही पता था, तो मैंने जानबूझ के वॉल्यूम डाउन बटन दबाया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए दोबारा से हम इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। स्विच अप ये क्विकली हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा और फास्ट फ़ोन है। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट में आपका स्विच ऑफ हो चुका है। अब जो मैंने ये वाला बटन और ये वाला बटन दबाया था तो ये नहीं दबाना है, अब आपको पावर बटन और ये वॉल्यूम अप यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन एक साथ में प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है, तो आप ऊपर नीचे आप करेंगे तो यहाँ पे ये मूव हो रहा है। तो एक बार मैं आपको नज़दीक ले आके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो ये जो पहला वाला बटन है आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा है रिकवरी मोड, और इसके नीचे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला दबाएंगे फिर से नीचे वाला आ जाएगा, फिर से दबाएंगे तो ये फर्स्ट पर आ जाए। तो फर्स्ट पर आता ही आपको पावर बटन दबाना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा रिकवरी मोड, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से प्रेस कर देना है ये वाला बटन, ध्यान रखिएगा इस तरीके से दबाएंगे या फिर इसको क्लिक करना है, ये वॉल्यूम डाउन बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे वाइब्रेट हो गया है, उसके बाद ये इस तरीके से ये रिकवरी मोड आ गया। यही जो खेल होता है जिसको आपको लाना होता है, इससे आपका क्या होगा, पैटर्न लॉक रिमूव हो जाएगा। और FRP लॉक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये सिंपली मैं आपको पैटर्न लॉक हटाना बता रहा हूँ, रिमूव करना जब पासवर्ड भूल जाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखता है, तो आप इस वॉल्यूम डाउन बटन या फिर अप बटन को आप प्रेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से प्रेस करके ये ऊपर वाला बटन दबा रहा हूँ, और यहाँ पे वाइप डेटा लिखा होगा, वाइप डेटा फैक्टरी रीसेट, इस पर ला के छोड़ देना है, ये वाइट हो जाएगा और यहाँ पर लाइन बन जाएगी। उसके बाद आपको पावर बटन आपको प्रेस करना है। पावर बटन देखेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे, अगर आप यहाँ पे गलती से आ गए तो कैंसिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं जानबूझ के मतलब रीसेट कर रहा हूँ, पैटर्न लॉक हटा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर वाला बटन फिर से दबाऊँगा और ये इस पर आ जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला बटन फिर से प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ कोडिंग होना शुरू हो गया, जैसे आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा तो ये कोडिंग होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर ये रीसेट हो चुका है, उसके बाद ये कह रहा है रिबूट सिस्टम नाउ, तो उसके बाद तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ये हो चुका है। उसके बाद ये फिर से पावर बटन दबाइए और ये आपका बूट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन को इजीली जो कि पैटर्न लॉक रिमूव कर सकते हैं। बाकी आपको इसको सेटअप करना भी बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, देखते रहिए। तो जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बाकी आगे का ऑप्शन मैं आगे बताऊँगा, अभी ये प्रोसेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मूव हो रहा है, और यहाँ पर एक साउंड भी आया था हेलो मोटो बोल के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, मतलब कोई छेड़खानी नहीं करना है, जो हो रहा है होने दीजिए।
और बाकी आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा रीसेट हो चुका है, यहाँ पे स्टार्ट का बटन आ गया, यहाँ लैंग्वेज चेंज करने का।